नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम फोटोशॉप में कुछ टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कर्सर है वो आगे आ रहा है, लेकिन टाइप कर रहे हैं पीछे जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या डॉट लगाएंगे, कोमा लगाएंगे या कोई चिन्ह लगाएंगे या ब्रैकेट लगाएंगे, ये सभी चीज़ें आगे टाइप हो रही है और इसका कर्सर भी आगे रहता है। ये किस कारण होता है और इसका क्या समाधान है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, इसमें ये एरर कभी फोटोशॉप में सेटिंग चेंज होने से या कुछ होने से ये सेटिंग चेंज हो जाती है और हमें ध्यान नहीं रहता है। इसे सही करने के लिए आपको इस वाले आइकन पर प्रेस करना है। इसके बाद इसकी यहाँ पर एक मेनू बार ओपन हो जाएगी। इसमें पैराग्राफ पर जाना है और इसमें यहाँ पर ये दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उनको देख लेना है कि जो ये प्रेस है किस पर प्रेस है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पी की तरह उल्टा दिख रहा है और इसमें क्वेश्चन इस तरफ लग रखा है, तो इस पर क्लिक कर देना है तो ये कर्सर पीछे आ जाएगा और ये नाम भी इधर हो जाएगा। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं मिले तो सबसे पहले एडिट में जाना है और यहाँ पर प्रेफरेंस में टाइप पर जाकर ऐसी मेनू बार ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये दो ऑप्शन है। अगर इसका टिक ऊपर वाली पर है लेटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट पर, तो आपको नीचे वाली पर वर्ड रेडी लेआउट पर टिक मार्क कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर फिर भी शो नहीं होता है तो ऊपर टाइप पर जाकर और इसमें लैंग्वेज ऑप्शन पर देख लेना है कि जो ये मिड ईस्टर्न पिक्चर्स है इस पर टिक मार्क है, ये डिफ़ॉल्ट पर सेट रहता है। मैं अभी डिफ़ॉल्ट पर जैसे ही सेट करूँगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरह अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लैंग्वेज ऑप्शन पर जाकर मिडिल ईस्टर्न पिक्चर्स पर टिक कर देना है, इससे ऑप्शन वापस हाईलाइट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह जो कर्सर आगे की तरफ आता है उसे सही कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।